मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो ये 120 वाट की फ्लूड लाइट है। ये अक्सर करके जो आप मार्केट में जाते हो आप वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जब ये ख़राब हो जाती है तो इसको कैसे ठीक करें? यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ उसके बाद भी ये नहीं जल रही है। तो अगर आपके पास भी कोई लाइट ख़राब रखी है या रिपेयरिंग करना सीख रहे हो या जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में बताया गया है कि आप इसको कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हो। तो इसको ठीक करने के लिए पीछे ये पेच लगे होते हैं जो बहुत सारे होते हैं। एक एक करके इन पेचों को खोल लेना है और पेच खोलने के बाद इसको आसानी से निकालना है ताकि इसके ऊपर बहुत सारी फ्लूड लाइट में जो लगा हुआ होता है ये ऊपर, ये बहुत सारी लाइटों में शीशे का आता है और बहुत सारी लाइटों में फाइबर का आता है। तो इसमें ये फाइबर का है, इसका ऊपर का जो डिफ्यूज़र बनाया हुआ है। जब आप इसको खोलोगे तो देखेंगे कि इसकी MCPCB, सबसे पहले MCPCB को चेक करना है कि कोई SMD शॉर्ट तो नहीं है या काली तो नहीं है, उसके बाद इसके ड्राइवरों को। तो जैसा कि हम इस प्लेट में चेक कर रहे हैं इसके अंदर कोई भी इसकी SMD ख़राब नहीं है और ना ही जली हुई है। तो इसका सीधा सा तरीका है कि इसके जो ये LED ड्राइवर हैं आप इसको निकाल दीजिए। मार्केट में आपके नज़दीक जो मार्केट होगी इलेक्ट्रिकल की वहाँ पर ये ड्राइवर आपको आसानी से मिल जाएंगे। लाइट ड्राइवर लेते वक्त एक चीज़ याद रखना है कि इसका एम्पियर और वोल्टेज दोनों को चेक करना है, साइज़ पे मत जाइएगा। जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है कि LED फ्लूड लाइट के अंदर जो ड्राइवर लगा है वो साइज़ में बड़ा है लेकिन ये हमारा छोटा है। तो एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है कि सिर्फ एम्पियर और वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। इसके दोनों प्लस और दोनों माइनस अलग अलग हैं, एक जगह हैं। तो हम सर्किट का दोनों प्लस का एक जगह कर देंगे और माइनस का एक जगह, सप्लाई यहाँ से दे देंगे। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने कनेक्शन कर लिए हैं दोनों ड्राइवर के प्लस वाले वायर प्लस वाले टर्मिनल पर और माइनस वाले दोनों माइनस टर्मिनल पर। और जो सप्लाई का वायर है वो यहाँ पर दे दिया। इसी के साथ जो हमारी लाइट है वो बनके तैयार हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास बिजली वाला टेप नहीं था, मैं सजेशन करूँगा कि आप बिजली वाला टेप लगाएं। तो ये देखिए हमारी जो फाइनल LED लाइट है ये बनके तैयार हो गई है। अब जिस प्रकार से आपने खोला था सेम उसी तरीके से इसको बंद कर दीजिएगा। रोशनी बहुत अच्छी है, आप ये ना समझें कि कम है। तो हमने जैसे इसको यहाँ से खोला था या आपने खोला है उसको सेम उसी तरीके से इसको अंदर ठोके और इसके बाद उसके पेच कस देना है। तो इस तरीके से आप घर पर ही मात्र 5 से 10 मिनट में इसको बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो। नया लाने से या फेंक देने से अच्छा है कि आप इसको रिपेयर कर लें। दूसरा ये चीज़, अगर आप LED बल्ब का काम सीखना चाहते हो या देखना चाहते हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लो या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे इस तरह की काम की वीडियो आती रहती हैं। हो सकता है कि आपके ये बहुत काम हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, पेज को फॉलो करिए, अगर चैनल यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।